वेलकम फ्रेंड्स, ये सेशन में हम लोग कवर करेंगे गूगल कीवर्ड प्लानर, जो गूगल का एक टूल है। सबसे पहले आपको गूगल एडवर्ड्स अकाउंट में साइन इन करना है, और आप देख सकते हो कि इसके प्रीवियस सेशन में जो हमने 500 रुपीज़ का पेमेंट किया था वो भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, और अभी तक हमारा कुछ भी स्पेंडिंग नहीं हुआ। एंड अगेन हमारी क्रेडिट लिमिट है 500 रुपीज़। अब फ्रेंड्स, गूगल एडवर्ड्स में सर्विस टैक्स भी लगता है, तो जो भी आपने 500 का जो पेमेंट किया है, जो एग्जाम्पल में आप देख सकते हो मैंने 500 का पेमेंट किया है, ये 500 रुपीज़ पूरा का पूरा एडवर्ट में स्पेंड नहीं होगा। सर्विस टैक्स की अमाउंट यहाँ पर कट सकती है, और उसके बाद जितना बैलेंस बचा वो एडवर्ट्स में स्पेंड होगा। कीवर्ड के लिए सबसे पहले आपको जाना है टूल्स एंड देन कीवर्ड प्लानर। अब फ्रेंड्स, आप स्पेसिफिक टेक्स्ट पे कीवर्ड को सर्च करना चाहते हो या प्लान करना चाहते हो या आइडियाज देना चाहते हो, तो यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन है। अगर आप डिस्प्ले कैंपेन चलाना चाहते हो तो डिस्प्ले प्लानर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। बट सबसे पहले हम लोग इस लेवल 1 में बेसिक कीवर्ड एड कैंपेन्स पर ही काम करेंगे, एंड लेवल 2 में हम लोग डिस्प्ले बैनर एड्स या तो फिर जो इमेज एड है वो कवर करेंगे। सबसे पहले कैटेगरी इज सर्च फॉर न्यू कीवर्ड एंड एड ग्रुप आइडियाज। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, अब यहाँ पर आप चाहो तो लैंडिंग पेज का एग्जाम्पल भी सकते हो, प्रोडक्ट कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हो, एंड देन बाकी टारगेटिंग और फिल्टर ऑप्शंस को अप्लाई कर सकते हो। बट ये फिलहाल मैं बाद में करूँगा, बट अभी के लिए मैं समझ रहा हूँ कि ऑर्गेनिक जो रिजल्ट है वो किस कीवर्ड के ऊपर बेस्ड है, तो गेट आइडियाज। यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा कोर्स डिजिटल या डिजिटल एजेंसी या मार्केटिंग कंसल्टेंट या मार्केटिंग कंपनी एक्सेट्रा। मैं सबसे पहले सेलेक्ट कर रहा हूँ कोर्स डिजिटल ग्रुप को, जिसमें टोटल 43 कीवर्ड्स है। आप चाहो तो डायरेक्टली इसे आप अपने एड टू प्लान में करके इस कैटेगरी या इस कीवर्ड को आप सेव कर सकते हो, जिससे कि जब आप कैंपेन क्रिएट करो या एड क्रिएट करो तब इस तरह की ऑडियंस को आप सिलेक्ट कर सकते हो। बट फिलहाल सबसे पहले मैं कोर्स डिजिटल को ओपन कर रहा हूँ, और यहाँ पर एवरेज मंथली सर्चेस कितने हो रहे हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, एवरेज सर्च हो रहा है 4,400, और यहाँ पर आपको सजेस्टेड बिड दिखा रहा है 312.26। देन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, यहाँ पर मंथली 5,400 सर्चेज हो रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज ऑनलाइन, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, कोर्सेज इन डिजिटल मार्केटर। यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट कीवर्ड्स अवेलेबल है, इनका आप अपने एड कैंपेन में यूज़ कर सकते हो। एंड फ्रेंड, नोटिस करने वाली बात यह है कि ऐसा नहीं है कि इस कीवर्ड को आप सिर्फ कीवर्ड प्लानर में यानी गूगल के जो एडवर्ड कैंपेन है उसमें यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, मान लो कि आप कोई ब्लॉग लिख रहे हो या आप कोई आर्टिकल लिख रहे हो या तो फिर आप यूट्यूब पर कोई वीडियो रख रहे हो या फेसबुक पर कोई पोस्टिंग कर रहे हो, तो मेक श्योर कि ये सारे कीवर्ड्स को आप अपने जो ब्लॉग्स आर्टिकल्स है या तो जो आपके वीडियो के मेटा टैग्स है, जो भी उसके डिस्क्रिप्शन है, उसमें ये सारे कंटेंट्स को आप लिखिए। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि देखो, सबसे ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज के ऊपर सर्च हो रहा है। उसके बाद एक चीज़ थी जो मैंने सबसे पहले इग्नोर कर दी कि ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये सारे भी एवरेज मंथली सर्चेज हाई है। इस तरह के कीवर्ड्स मैंने मेरे यूट्यूब के वीडियोस पर लगा के रखे। अब एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा हूँ, जस्ट अ मोमेंट, .com/viraljadhav। अब फ्रेंड्स, देख सकते हो कि जितने भी कीवर्ड्स थे इसके कीवर्ड मैंने ये जो मेरा वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में लिख दिए, तो ये जरूरी नहीं कि ये हमेशा रैंक में ऊपर आए, बट यस, फर्स्ट पेज के ऊपर या सेकंड पेज के ऊपर आपकी वीडियो दिखाई देगी। एंड अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे कंटेंट इज किंग। अगर आपके कंटेंट अच्छे हैं तो आपके कीवर्ड्स के लोग ऊपर सर्च करेंगे और आपका जो वीडियो है उसका रैंकिंग ऊपर होगा। अब कितना भी आप ऐसे करो लेकिन आपके कंटेंट ओरिजिनल नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो इन दैट केस हो सकता है कि आपको रिस्पॉन्स ना मिले। कीवर्ड प्लानर टूल में ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो एडवर्टाइजमेंट में यूज़ करना है, ये आप ऑर्गेनिक अगर आप SEO करा रहे हो या अपने कस्टमर को कुछ ब्रोशर्स वगैरह लिख रहे हो या ईमेल लिख रहे हो, तो उसमें ये सारे वर्ड्स को अलग अलग ईमेल कैंपेन या अलग अलग आर्टिकल्स में आप इंक्लूड कर सकते हो। उसके बाद अगेन टूल्स एंड देन कीवर्ड प्लानर, उसके बाद गेट सर्च वॉल्यूम। अब मैं एंटर कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एंड देन गेट सर्च वॉल्यूम।
इससे मुझे ये पता चलेगा कि कोई स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर एवरेज मंथली कितने सर्चेस हो रहे हैं, इसका कंपटीशन लेवल क्या है और इसका सजेस्टेड बिड क्या है। सो अगेन गो बैक टू टूल्स एंड देन कीवर्ड प्लानर। अगेन मैं सबसे पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग, और यहाँ पर मैं लैंडिंग पेज डिफाइन करूँगा। कॉपी एंड पेस्ट एंड देन गेट आइडियाज। अगेन फ्रेंड्स, यहाँ पर भी आपके लैंडिंग पेज के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर ऐड के ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे देख सकते हैं कि पहले 43 था, अब यहाँ पर 44 हो चुका है। सो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। अगेन आप चाहो तो इसे ऐड कर सकते हो। अगेन आई गो टू टूल्स, उसके बाद कीवर्ड प्लानर, उसके बाद गेट ट्रैफिक फोरकास्ट फॉर लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स। अब यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग एंड इंटरनेट मार्केटिंग एंड देन गेट फोरकास्ट। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं कि आपकी कितनी कॉस्ट के ऊपर आपको क्या मैक्सिमम सीपीसी आ रहा है, क्या क्लिक्स मिल रहा है एक्सेट्रा। एंड देन डिजिटल मार्केटिंग में यहाँ पर दो कैटेगरीज है। अगर फ्रेंड्स डैश है, यानी इसका मतलब एडिक्वेट डेटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अगर आप चाहो तो कस्टम बिडिंग भी डाल सकते हो, जैसे कि अगेन आई सिलेक्ट 10 रुपीज़ एंड गेट डिटेल फोरकास्ट। सो अगेन यहाँ पर आपको 5,250 इंप्रेशन मिलेंगे, ऑन एन एवरेज 201 क्लिक्स मिलेंगे, आपका CTR होगा 3.8% एंड आपका एवरेज पोजिशन होगा 1.95। अगेन इंटरनेट मार्केटिंग में 170 एंड सो ऑन। सो यहाँ पर जो भी 300-500 रुपीज़ का जो बिडिंग दिखा रहा है, ये गूगल रेकमेंड करता है, बट ज़रूरी नहीं है कि आपको उतना बिडिंग करना है। आप चाहो तो 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, जो भी बिडिंग चाहते हो वो बिडिंग आप लिख सकते हो। बिडिंग जैसे मैंने कहा था कि ये मैक्सिमम अमाउंट है, ज़रूरी नहीं कि 10 रुपीज़ चार्ज होगा, बिडिंग कम भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर नेक्स्ट कॉम्पिटिटर्स प्राइसिंग एंड द क्वालिटी ऑफ देयर कंटेंट। उसके बाद जैसे मान लो मैं डेली बजट रखा हूँ ₹500 का, देन गेट डिटेल फोरकास्ट। सो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 67 क्लिक्स मिलेंगे, यहाँ पर अराउंड 56-57, एंड देन यहाँ पर CTR एंड एवरेज CPC। अगेन आई गो बैक टू टूल्स एंड देन कीवर्ड प्लानर। अब चाहो तो सेम चीज़ को रिज्यूम कर सकते हो, या तो सब कुछ डिस्कार्ड करके अगेन कीवर्ड्स के ऊपर काम कर सकते हो। उसके बाद अगेन मल्टीप्लाई कीवर्ड्स, देन डिजिटल मार्केटिंग एंड वन मोर मल्टीप्लीकेशन, सर्विसेज, ट्रेनिंग, कोर्सेस, कंसल्टेंट, कंसल्टेंसी, इंस्टीट्यूट्स एक्सेट्रा एंड देन गेट सर्च वॉल्यूम। सो यहाँ पर 6 डिफरेंट कैटेगरीज अवेलेबल है एंड अगेन एवरेज मंथली सर्चिस और यहाँ पर सजेस्टेड बिट्स। अगेन फ्रेंड्स, आप चाहो तो यहाँ पर लोकेशन भी प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे कि इंडिया। सो अगेन यहाँ पर एवरेज मंथली सर्चिस 3770। उसी तरीके से लैंग्वेज है, या आप गूगल पर या गूगल प्लस सर्च पार्टनर पर सर्च करवाना चाहते हो, या तो फिर आप कोई नेगेटिव कीवर्ड डालना चाहते हो एक्सेट्रा। सो ये सारे फिल्टर्स भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, इन शॉर्ट कीवर्ड प्लानिंग के जरिए आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना होगा कि कौन से कीवर्ड्स आपके लिए सही है, एंड यहाँ से आप पेड एड यानी गूगल PPC में तो इस टूल का यूज़ कर सकते हो, प्लस आपके ऑर्गेनिक जो भी आपको पोस्टिंग करना है, या जो आपको ब्लॉग्स लिखने हैं, आर्टिकल्स लिखने हैं, या वेबसाइट के ऊपर आपको कुछ कीवर्ड्स लिखने हैं, तो वहां पर भी इस टूल का आप यूज कर सकते हो। दिस कंक्लूड्स अवर सेशन। थैंक यू वेरी मच।